खबर चुनार से है। चुनार उस्मानपुर मोहल्ले में श्री हीरा लाल वर्मा इंटर कॉलेज पर आज विधायक अनुराग सिंह का हुआ आगमन। श्री हीरा लाल वर्मा इंटर कॉलेज में विधायक अनुराग सिंह के द्वारा वहां उपस्थित लोगों ने उनकी समस्याओं को मिलने के लिए आए हुए थे। सर्वप्रथम विधायक द्वारा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके उपरांत वहां उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं कहीं और जो भी समस्याएं लोगों की थी विधायक जी द्वारा कहा गया कि आप सभी लोगों की समस्याएं का निवारण जल्द से जल्द होगा। और साथ ही वहां उपस्थित कुछ लोगों ने एक पार्क की भी अपील की जिससे कि बुजुर्ग और बच्चे उस पार्क में टहल सके। जिस पर विधायक ने यह आश्वासन दिया है कि इस बार अगर मैं सत्ता में आता हूं तो यह भी कार्य करा दूंगा और जमीन भी खोजने के लिए उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा। और चुनार किला बूढ़े नाथ मंदिर के बगल में जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उनके लिए एक शौचालय की भी मांग लोगों ने रखी। बहुत सी बातें लोगों द्वारा बताया गया और विधायक जी ने सभी बातों को सुना और यह भी आश्वासन दिया कि मैं प्रयास करूंगा कि यह कार्य जल्द से जल्द हो जाए। उस्मानपुर पीपल के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसे हटाने की भी बात कही गई और उससे वहाँ से स्थानांतरित कर पुनः जहाँ पर पहले था वहाँ ज़्यादा पावर का लगा दिया जाए और इस स्थान को खाली करने की बात कही गई। उस पर भी उन्होंने सहमति जताई। वहाँ उपस्थित लोगों में मंच की अध्यक्षता कर रहे शोभनाथ कुशवाहा, पूर्व चेयरमैन विजय वर्मा, विद्यालय प्रबंधक अवधेश कुमार वर्मा, मंच का संचालन करते जोखूराम मौर्य, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाध्यापक सोनू वर्मा, मनोज कुमार कुशवाहा, लोकनाथ कुशवाहा, श्यामनाथ कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा, विजय बहादुर, चंद्रहास, मदन लाल, गणेश प्रसाद, अमरीश मौर्य, महिलाओं में निर्मला रानी, पूर्व चेयरमैन रेखा वर्मा आदि महिलाएँ भी वहाँ उपस्थित रहीं। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। लेकिन ये अपना भारतीय समाज जो था उस शिक्षा पद्धति को अपनाया लेकिन अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को नहीं भूला, उसकी जड़ें जुड़ी हुई। और जिस समाज का इतिहास जितना गौरवशाली होता है निश्चित रूप से उसके वंशज भी उतने ही गौरवशाली बनते चले जाते हैं क्योंकि वो प्रेरणा लेने का एक माध्यम होता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में जो हम लोगों के महापुरुष हैं, भाई सम्राट अशोक का सम्राट अशोक के बारे में है तो आज भी चक्र लिया गया वहां से, समुद्र को तो भारतीय नेपोलियन बोले जाते हैं, इस तरह की उपाधियों से नवाजे गए हैं। इसलिए हमको भी कहीं ना कहीं उनकी फोटो उनकी पिक्चर सांकेतिक रूप की उपलब्ध नहीं होगा, इतिहास में मिलना मुश्किल है लेकिन सांकेतिक रूप से कुछ ना कुछ उनकी होनी चाहिए जिससे हम गर्व के साथ अपनी बात को रख सकें। आज बड़ी तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, बौद्धिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक हर तरीके से बहुत तेजी से ये विकास कर रहा है। पूर्व में सब्जी और फल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था, जैसे पटेल समाज है वो धान इसका भी काम था, तो बहुत गर्मठी समाज होता है और बहुत स्वाभिमानी समाज होता है क्योंकि वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, उसके हाथ में ताकत है, उसके हाथ में कर्मठता है, तो खुद कमाता है खुद करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। इसलिए उसके जीवन का एक सिद्धांत जो शायद क्योंकि तो मैं भी उसी कृषक पर समाज से ही आता हूं, उस समाज की भी मनोवृत्ति इसी तरीके की है कि वो भी अपने काम में व्यस्त रहती है